हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग पर। यहाँ से भी है। एंट्री यहीं से चलते हैं। तो आज संडे का दिन है और बहुत बारिश हो रही है, तो आज मैं आप लोगों को घुमाने जा रही हूँ होम फार्म हेरिटेज। और ये मैंने भी आज से पहले कभी घूमा नहीं है। मैं भी यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और बचपन से मैं रानीखेत रहती हूँ, बट अभी तक यहाँ आई नहीं। और वैसे भी यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, तो चाचा मेरे यहाँ पर मैनेजर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को स्टे करना हो तो ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। 4000 पे आपको यहाँ पर रूम इजीली मिल जाएगा। 13 रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं। थीम इसकी विंटेज है। चलिए देखते हैं कैसा है। तो ये इसका पूरा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ और बादल इतने अच्छे लग रहे हैं। ये यहाँ से व्यू काफी अच्छा है। तोड़ना मत पैसे देने पड़ेंगे। ये संतरे नींबू है, संतरे हैं क्या? तो ये हैं जंगली फूल जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एकदम बरसात का टाइम है तो जो घास है एकदम हरी लग रही है। और यहाँ पर एक फिश पॉन्ड है जिसमें गोल्डन कलर की फिशेज हैं और कमल की पत्तियां भी हैं। यहाँ पर कमल का फूल तो अभी खिला नहीं है। तो यानू सो गई है, नानी ने यानू को पकड़ा हुआ है और अभी हम होटल के बाहर घूम रहे हैं। थोड़ी देर में चाचा आने वाले हैं, फिर होटल के अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के रूम्स हैं और आपके लिए भी होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का मौसम रानीखेत का, एक दो दिन से इतनी बारिश हो रही है। देखो यानू उठ गया। पर फूल वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे है, काफी हरियाली है यहाँ पर। और यहाँ पर शूटिंग वगैरह भी होती है। पूरे हरी भरी पेड़ पौधे फूल काफी अच्छे अच्छे हैं। ओवरऑल व्यू काफी अच्छा है यहाँ। तो थोड़ी देर हमने वेट किया, देन अब चाचा आ गए हैं। तो अब हमने होटल के अंदर एंटर कर लिया है, तो अब मैं आपको घुमाऊंगी होटल के अंदर। तो चलिए, आई थिंक आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि किस तरह का होटल है। तो चलिए देखते हैं। ये पद्मश्री है, इनके बेटे का है ये। तो ये जो होटल है इसकी खासियत ये है कि ये 100 साल पुराना होटल है और आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और ओवरऑल 13 रूम्स यहाँ पर हैं और काफ़ी वेल फर्निश्ड रूम है। और जो इसकी थीम है एकदम विंटेज है, क्योंकि इतना पुराना होटल है तो एक तरह से विरासत ही है ये। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा और नेचर के एकदम करीब है और शूटिंग वगैरह भी यहाँ पर होती है, तो ये पूरा होटल बुक हो जाता है जब शूटिंग वगैरह के लिए इसको लेते हैं। और ये जो है हैंडमेड, ये हैंड प्रिंटेड वॉलपेपर है, तो 100 ईयर्स पुराना ही होगा आई थिंक। एंड ये है पाइन कोन, तो चीड़ का जो पेड़ होता है उसमें ये आता है, एक तरह से उसका फ्लावर इसको बोलते हैं। इसके अंदर बादाम भी होते हैं खाने के लिए, एंड डेकोरेशन के लिए काफी ब्यूटीफुल ये लग रहा है। का हीटर है, यहाँ पर रानी रुकती थी जब आजादी से पहले। ये रूम है ना, यहाँ के रूम्स हैं। ये चिमनी, तो ये जो वॉलपेपर है ये हैंड प्रिंटेड है और ये लाइट्स वगैरह सब 1870 लेडी एंड लॉर्ड माउंटबेटन आए हुए हैं। और ये जो लाइट्स वगैरह है सब 1870 के टाइम की है, अंग्रेजों के टाइम का सब कुछ। ये केरोसिन लैंप है और ये केरोसिन लैंप है
ये जो है ओनर इनके बेटे हैं, इन्होंने खरीदा था ये। मदन मोहन उपाध्याय ने, इनके बड़े भाई ये थे सिद्धार्थ उपाध्याय, ये नेहरू जी के पिए थे, इनको पद्मश्री मिला है। ये देख, ये राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी का शादी का कार्ड है, इनके लिए आया था। ओके गांधी जी आए थे क्या? आप भी चलो ना। तो अगर आपको नेचर के एकदम करीब टाइम स्पेंड करना हो तो ये होटल मुझे एकदम परफेक्ट लगा। एंड यहाँ के जो रूम है उसकी थीम, यहाँ ये होटल ओवरऑल जो इसकी थीम है विंटेज है, 1970 के टाइम का ये होटल है। जो भी सारी इसमें चीज़ें हैं विंटेज हैं और उन्हीं को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, व्यू काफ़ी अच्छा है। एंड वाह, या न्यू फिंगर, या न्यू फिंगर, बारिश आ गई। न्यू फिंगर यहाँ से सारा व्यू है, हिमालय अभी छुपा हुआ है बादलों के पीछे। आदि कैसा लग रहा है? और यानू को तो बहुत मजा आ गया, यानू खुश हो गई। ये यानू का मामा देखो कितना छोटा मामा है, यह है यानू का सबसे छोटा मामा, लिटिल मामा। तो यहाँ से ये व्यू है इतना अच्छा, टॉप व्यू। यानू कैसा लग रहा है? बहुत सारे के रूम्स यहाँ पर हैं। बोर्ड लग जाता ना कि शाम के बाद इंडिया ऊपर आए ना कोई भी इंडियन। अगर वो यहीं पर ही वो बैठे रहने क्यों बारिश में छत। चलो आ जाओ बेटा, रूम में चलते हैं। अरे क्यों चलते हैं? चलो यहाँ के वॉशरूम दिखाती हूँ कितना बड़ा है। अच्छा है, चलो मार रही अपने को। तो यहाँ पर यानू को देखो, यानू कितना खुश हो रही है। यानू, ए यानू फिंगर, और बारिश हो रही है, थोड़ी कम हो गई बारिश अब, और थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे। हाँ, बारिश के बाद ये जो पेड़ पौधे और ज़्यादा हरे लग रहे हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे ठंड भी लग गई, मैंने स्वेटर पहन लिया है। और तो गांव में रोड भी आ गई, तब तक थोड़ा डेवलपमेंट और हो जाएगी, एक होटल खोल लेना न। तो ये है यहाँ की फेमस वेज नूडल्स और गर्मा गर्म कॉफी। देखो आदि इंजॉय कर रहा है। आदि कैसा बना है? अच्छा बना है, यमी। तो यहाँ पर जो ये होटल है उसके ओनर यहाँ पर रहते हैं, और होटल वगैरह हमने घूम लिया है, लंच भी कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर को। तो चाचा तो यहीं रहते हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो चाचा को यहीं पे रूम अलॉट हुआ है, तो वो यहीं रहते हैं। और वैसे इस होटल में घूमने के लिए आना अलाउड नहीं है, बट चाचा यहाँ पर मैनेजर हैं तो उन्होंने हमको बुलाया था, तो इसलिए हम आए। अच्छा ये तो ये है लैंड रोवर, अंग्रेजों के टाइम की लैंड रोवर। आदि इसके अंदर बैठ रहा है। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।